चौहान क्लासेज में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। चौहान चैनल में जुड़े रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको ऐसे वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे। तो आज का टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की लोक देवियों का एक वीडियो मैं बना चुका था, और दूसरा वीडियो है और दूसरी लोक देवी है जीण माता। जीण माता उपनाम क्या है इनके? शेखावाटी, के चौहानों की कुल देवी। जीण माता शेखावाटी के चौहानों की कुल देवी है। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। जन्म, जीण माता का जन्म कहां पर हुआ? जीण माता का जन्म धातु गांव सीकर में हुआ था। धातु गांव सीकर में हुआ। पिता धंधर, पिता का नाम धंधराय। भाई, इनका भाई हर्ष, इनके भाई का नाम हर्ष था। एक बार क्या हुआ, जीण माता अपनी भाभी अर्थात हर्ष की पत्नी से रूठ कर एक पर्वत पर रहने लग गई, और हर्ष उनका भाई हर्ष भी उन्हें मनाने के लिए चला गया, परंतु वह वापस नहीं आई। और हर्ष भी उनके पास ही एक पहाड़ी पर तपस्या करने लग गए, इसलिए उस पहाड़ी का नाम हर्ष पहाड़ी रख दिया गया। जीण माता का मंदिर, मंदिर रेवासा, मंदिर कहां पर है? हर्ष पहाड़ी, जैसे अभी बताया था मैंने, हर्ष पहाड़ी रेवासा सीकर, सीकर जिले में ही है। पहाड़ी का नाम हर्ष पहाड़ी। मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय किसने करवाया? हट्टड द्वारा करवाया गया। हट्टड द्वारा करवाया गया। क्या रिवाज है इनके मंदिर में? इनके मंदिर में इनकी मूर्ति को ढाई प्याला शराब पिलाने का रिवाज है। ढाई प्याला शराब पिलाने का रिवाज प्राप्त है। जीण माता की आराधना में,
की आराधना में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? चिरजा कहलाता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन व लंबा गीत है। सबसे लंबा गीत है, पूछ लिया जाता है कई बार इसको भी। ये तो थी तुम्हारी जीर्ण माता, एक बार वापस मिल लें। जीर्ण माता ये शेखावाटी के चौहानों की कुलदेवी हैं और शेखावाटी क्षेत्र की कुलदेवी हैं, मध्यमक्खियों की देवी हैं। जन्म धातु गांव सीकर में हुआ था। इनके पिता का नाम धनराय था और भाई का नाम हर्ष था। एक बार जीर्ण माता अपनी भाभी से रूठकर एक पहाड़ी पर चल गई। इन्हें मनाने के लिए हर्ष भी वहां गया, परंतु यह लौट कर नहीं आई और हर्ष भी वहीं पहाड़ी पर तपस्या करने लग गया, इसलिए उस पहाड़ी का नाम हर्ष पहाड़ी रख दिया गया। इनका जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है? हर्ष पहाड़ी रहवासा सीकर में है। इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय पर हट्टट द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में इनकी मूर्ति को ढाई प्याला शराब पिलाने का रिवाज प्राप्त है। इनकी आराधना में जो गीत गाया जाता है वह चिरजा कहलाता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन व सबसे लंबा गीत है। तो ये तो हुई तुम्हारी जीर्ण माता। अब लेते हैं आई माता। तीसरी माता आती है आई माता। आई माता देखो जन्म कहां हुआ? अंबापुर गुजरात। जन्म कहां हुआ? अंबापुर गुजरात। इन पंथ क्या चलाया इन्होंने? आई पंथ की स्थापना की थी। आई पंथ की स्थापना की थी। आई माता का बचपन का नाम जीजाबाई, क्या था? जीजाबाई था। इनके बचपन का नाम जीजाबाई था। मंदिर बिलाडा जोधपुर, कहां पर है? बिलाडा जोधपुर में है। इनके मंदिर से इनके मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकती रहती है। ती
रहती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनके मंदिर से, मंदिर में स्थित जो मूर्ति है इनकी, वहां से केसर टपकती रहती है। इनके मंदिर को, इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। इनके चबूतरे को, इनके इनके चबूतरे को बटेर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके चबूतरे को बटेर कहते हैं, या थान, थान चबूतरा मीन्स थान, तो इनके थान को बटेर कहते हैं। एक और इनके मंदिर की विशेषता है, क्या? इनके मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषिद्ध है, अर्थात मना है। वापस सुन लो, आई माता, आई माता का जन्म अंबापुर गुजरात में हुआ था। इन्होंने आई पंथ की स्थापना की थी। आई माता का बचपन का नाम जीजाबाई था। इनका मंदिर बिलाडा जोधपुर में है। इनके मंदिर में स्थित मंदिर में स्थित जो दीपक जलता है उससे, उसकी लौ से हमेशा केसर टपकती रहती है। इनके मंदिर को दरगाह और थान को बटेर कहते हैं। इनके मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषिद्ध है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको बार बार उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।